हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है छोले कुलचे की। दिल्ली में लोग इसको मटर कुलचा भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है बारिशों के मौसम के लिए। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। ये रेसिपी बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। एक बोल में हम एक कटोरी मटर, या आप कह सकते हैं छोले, इसको सोक कर देंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो गाइस आप इसको ओवरनाइट सोक करिएगा, वरना आप इसको 3 से 4 घंटे भी सोक कर सकते हैं। सोक करके इसको ढक के हम साइड पर रख देंगे। अब दूसरे बोल में हम थोड़ी सी इमली को भी भिगो देंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये जो इमली है, इसके अंदर सीड्स हैं, तो इसको मैं हल्का सा तोड़ दूँगी कुछ इस तरीके से, और इसको भी ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। अब देखते हैं, ये देखिए सुबह हमारे मटर कुछ इस तरीके के दिखेंगे और इमली भी रेडी है हमारी बिल्कुल। अब हम एक कुकर के अंदर मटर डाल देंगे, उसका सारा पानी भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 3 विसल आने तक का इंतज़ार करेंगे। यह आ गई हमारी पहली विसल। यह आ गई हमारी दूसरी विसल। गाइस गैस इस वक्त हाई फ्लेम पे रहेगी। यह आ गई हमारी तीसरी सीटी। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और सारा इसका प्रेशर रिलीज़ होने देंगे। ये देखिए सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब हम कुकर खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल लिमिटेड पानी डाला था। ये देखिए जब मैं चम्मच में उठा रही हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, सिर्फ छोले हैं। ये देखिए अब चलते हैं इसमें क्या चीज़ें डालनी है हमें। ये मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज और एक बारीक कटा हुआ टमाटर। मसालों में मैं ले रही हूँ नमक, लाल मिर्च, और ये छोलों के साथ मिलने वाला मसाला है। दिल्ली में आप कहीं से भी मटर, या आप कह सकते हैं छोले लेंगे, तो आपको उसके साथ ये मसाला मिल जाएगा। अब हम चलते हैं छोलों की तरफ। गाइज हाफ ही छोले मैं बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 तरह के छोले बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने हाफ छोले बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, ये है 2 चम्मच के करीबन मसाला जो कि छोलों के साथ मिलता है हमें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अब मैं इसका ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा प्याज, टमाटर। अब इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे छोले कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पानी। ये वो इमली है जो हमने रात को भिगोई थी। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब हम छोले में 1/2 लेमन स्क्वीज कर देंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, अदरक बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं। अब जो बचे हुए हाफ छोले थे, उसका मैंने क्या किया, वो भी मैंने सेम तरीके से बनाया, बस उसमें टमाटर नहीं है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ छोले। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं हमारे छोले। अब हम कुलचे सेक लेते हैं। पहले तवे पर हम हल्का सा बटर फैलाएंगे। अब हम इसके ऊपर कुलचे रख के सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन आने तक सेकना है। इसके ऊपर हम रख रहे हैं दूसरा कुलचा। ये देखिए दोनों तरफ से इसको 2 से 3 मिनट सेक लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए हमारे कुलचे बिल्कुल मज़ेदार से सेक चुके हैं। अब बिल्कुल रेडी है हमारा सब कुछ। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं।
प्लेट में मैंने रखे हैं दो कुलचे जो अच्छे खासे सिके हुए हैं, बिल्कुल गरम गरम हैं। और यह हमारे चटपटे छोले जिसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ हरी मिर्च। आप चाहें तो उसके ऊपर अदरक भी रख सकते हैं, एक स्लाइस नींबू का भी रख सकते हैं। गाइस आपको क्या लगता है, बने हैं ना मज़ेदार छोले, बिल्कुल बाहर जैसे हमने घर पे बनाए हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी भी होने वाले हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।